नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ फाफड़ा। फाफड़ी तो ये मैंने एक कटोरा चने का बेसन मैंने ले लिया है, तो चलिए बताते हैं कि फाफड़े बनता कैसे है। और ये आप शाम के समय चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, स्नैक के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं फाफड़े को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक बॉल ले लिया है, अब इसके अंदर हम बेसन को डाल देते हैं। बेसन को मैंने छान लिया था छलनी से, इसके अंदर थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल दे रही हूँ। मैदा में इसमें 2 चम्मच मैदा इसमें डाल दिया है, आधा चम्मच और 1.5 चम्मच हो गया, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल लिया है, आधा चम्मच से भी कम नमक और तेल आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने आधा कप से कम तेल डाला है, आप मेजरमेंट लगा सकते हैं आधा कप कितना होता है उतना आप डाल सकते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से आटे को गूंद ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें अजवाइन में डाल दे रही हूँ, के अंदर थोड़ा सा मंगरेल और अजवाइन डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से इसका हम मिक्स करके डो बना ले रही हूँ। तो ये अच्छी तरीके से तेल एब्जॉर्ब कर लिया है आटे में, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद ले रही हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच पानी डाल के आटे को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, न ज़्यादा टाइट ही रखना है, मीडियम में रखना है। फाफड़े के लिए गूंदकर तैयार है, देखिए। अब इसको हम थोड़े देर के लिए ढक कर छोड़ देते हैं, 1-3 से 4 मिनट तक इसको ढक के छोड़ देते हैं, जिससे ये आटा सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने तेल रख लिया है, गर्म हो रहा है, वो हमारा सेट हो गया है। तो इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसी तरह से हम सारे लोई बना ले रहे हैं। कितना सुंदर और कितना बढ़िया फाफड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम कितना बढ़िया से ये उठ जा रहा है। अब इसको हम तेल में डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। फाफड़ा को इसके अंदर हम तेल में डाल दिया है, अब फ्राई करके हम देखते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है इसमें ही, एक तरफ से फाफड़ा हमारा पक चुका है, दूसरी तरफ से हम इसको पलट लेते हैं। देखिए फूल भी गया है अच्छी तरीके से। और इसको हम गैस को लो कर दिया है, इसे हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए फाफड़ा। ना मैंने पानी का यूज किया है ना तेल का यूज किया है, मैंने इस तरह से लोई ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इस तरह के हथेली के सहारे हम इसको ये देखिए इसको हम थोड़ा का सेप दे देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा फाफड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम सभी फाफड़े को बना लेते हैं। ये फाफड़ा देखते हैं हमारा गोल्डन फ्राई हुआ है या नहीं, एक तरफ से पक चुका है,
तो फिर सबसे हम इसको पलट देते हैं। इस तरह हम सारे फाफड़े को बनाकर तल के तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथ से फाफड़े को बेल दबाना है ऐसे। अगर उससे भी नहीं होता है तो मैं एक और टिप सुना बताती हूँ। हल्का इस तरह से ले लिया, हल्का बेलन के सहारे इसको हम बेल के आपको बता दें। मैंने बेलन से इसको बेल लिया है और चाकू से इस तरह से तेवर टेढ़ा मिला हुआ तो उसको मैंने कट कर लिया है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैंने ईजी मेथड आपको बता दिया है। तो ये देखिए मैंने फाफड़ा, मैंने कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया हो चुका है, ये देखिए कितना करारी और कितना मुलायम फाफड़ा बनकर तैयार है। फर्स्ट मेरा फाफड़ा बनकर तैयार है। एक कटोरे आटे में मैंने 5-6 बना लिया है, 5-6 से ज़्यादा ही है, 6-7-8 है। तो मैंने बड़े बड़े साइज बनाया, अगर छोटा साइज बनाता तो बहुत ज़्यादा होता। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए। देखिए कितना खस्ट है और कितना, देखिए आवाज़ आ रहा है, कितना खस्ट है और कितना बढ़िया फाफड़ा बनकर तैयार है। ये देखिए, तो ये देखिए फाफड़ा कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर तैयार है। ना ही मैंने इन्हें बेकिंग पाउडर डाला है, ना ही बेकिंग सोडा डाला है, ना ही फाफड़े वाले जो पाउडर आता है वो डाला है। ऑटोमेटिक फूल फूल कर बड़े बड़े हमारे फाफड़े बनकर तैयार है। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और बहुत ईजी है बनाना, शाम के समय है तो आप नाश्ते में इसको स्नैक के रूप में चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए भी तो आप इसको सर्व करके खा सकते हैं फाफड़े को। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए और इन्जॉय करिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।